हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तभी शुरुआत हो रही है शाम की हमारी कुकिंग से और मैं बना रही हूँ आज बीजेम जी। हाँ, और पीछे आपको नॉइस आ रही है, घंटी बज गई है क्योंकि ये मंदिर की अभी हो रही है आरती, क्योंकि शाम का टाइम हो गया, सबके आने को ऑफिस से टाइम हो गया है। तो आज मैंने सोचा चलो बीजेम बना रही थी, काफ़ी दिन से नहीं बनाया था मैंने। ये सब जैसे कि पता है पनीर छोले राजमा, और इसके अलावा कढ़ी हमारे यहाँ रेगुलर बनता ही बनता है, और पनीर में सबसे ज़्यादा बनता है पालक पनीर, और इसके अलावा बीजेम। तो आज हम बना रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से हम कुक कर लेते हैं। ये देखते हैं, पूरी मैं आपको रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी, बट ये है कि थोड़ा भी मेरा मसाला फ्राई हो रहा है, तो मैं ब्लॉग भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। साथ ही साथ में कुछ कुकिंग करो, फिर काम भी हो पाता है। चलो अपनी कुकिंग में दिखाते हैं। शाम होती नींद आ जाती है, नींद उड़ गई, दादू आ गए, आ जाओ। अभी क्या टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं। 7 बजे से शो किया तो रात में जग जाएगा। फिर छोटा बेबी छोटा नहीं है, उठ जाता है कभी 2 बजे रात में जगता है, कभी 10 बजे। डांस करना है उसको, डांस करना है। और अभी ना मैं आगे हूँ रूम में, और मुझे ना दुपट्टा चाहिए क्योंकि पापा आ रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मेरे रूम के ना जो न्यू गद्दे हैं वो बन गए हैं, तो वो मैं आपको दिखाया भी नहीं है, फिर मैंने दिखाया था कि नहीं याद नहीं। सो आज ही पूरा गद्दों का काम फिनिश हुआ है, घर पे ही सारे गद्दे बन रहे थे हॉल में। सो कल से काम लगा हुआ था, या था कि दादू भी आ गए हैं घर पे, आ जा बेटा। और पता है मैं जो पुराना वाला जो गद्दा था तो वो हमने हटा दिया यार, वो ही मेरे को सबसे बेस्ट लगता था, बट क्या है कि जो खटवल वाले कीड़े होते ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करते, इस वजह से हम लोग को गद्दा हटाना पड़ गया। और आप लोगों ने नोटिस करा कि मैंने ना बड़ी वाली बिंदी लगाई हुई है, मतलब मैं ना अपना कल बहुत पुराने पुराने ब्लॉग्स देख रही थी, मैं उसी में खो गई थी अपनी प्रेगनेंसी वाले टाइम पे। मैं मतलब कितना ज़्यादा एक्टिव रहती थी उस टाइम पे, कितना काम करती थी, ब्लॉगिंग भी कर लेती थी, साथ साथ कुकिंग भी कर लेती थी, मतलब बहुत कुछ करती थी सीरियसली, अपना भी ध्यान रखती थी। सो यार मेरे को अपनी मतलब वीडियो देख के ना खुद की तारीफ करने का मन करता, तो उसमें ना मैंने एक ब्लॉग में अपनी बड़ी बिंदी लगाई, तो उसमें फेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इस वजह से फिर मैंने आज भी लगा लिया। आप मुझे कमेंट करके बताना, मतलब आप लोग अच्छे तरीके से मुझे बता सकते हो कि मेरे को बड़ी वाली बिंदी सूट करती है या फिर छोटी वाली बिंदी सूट करती है, तो भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इसलिए मैंने आज बड़ी वाली बिंदी लगाई हुई है। और कट कर लिया मैंने पनीर, हाँ जय करो पहले जय। हाँ बॉल ले ली अपने बेबी ने, उछालो। हाँ ग्रीन एंड रेड बॉल, दो दो बॉल्स हैं यथार्थ के पास में। तो ये देखो गाइस, के तो सारे गद्दे बने हुए हैं, और ये रहा हमारा पुराना वाला गद्दा, और नया वाला दिखाती हूँ मैं। क्या इसमें तो ना बेडशीट डाल दी है, तो ये रहा न्यू वाला गद्दा, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। पिछले 7 सालों से ना वही वाला गद्दा यूज़ कर रहा था, जब मेरी शादी में जब पूरा रूम न्यू बना हुआ था, पूरा बेड वगैरह, तब से ही अभी हमने फाइनली चेंज करा उसको, और अभी तक उसमें कोई भी कमी नहीं आई थी। बस वही कीड़े वगैरह को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जब वो खटमल वाले कीड़े हो जाते हैं वो इजिली जाते नहीं है, तो इस वजह से गद्दा चेंज करना पड़ा। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म को मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। जब तक किचन अच्छी तरीके से क्लीन नहीं हो जाता ना, सच बता रही, मेरा मन नहीं लगता काम करने में। ये हर एक लेडीज़ की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मतलब हर किसी को अगर अच्छा ही लगता है कि अच्छी तरीके से क्लीन हो, तो हम आराम से कुकिंग कर सके, तो जितनी भी जरूरत की चीज़ें ना वो हो, उसके अलावा किचन मैसी नहीं हो। तो बस इसके अलावा मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती थी कि मैं आजकल आप लोगों को ये चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि पता है मेरी जो वीडियोज़ है ना वो हर कोई देखता है, जो मेरे से सामने से बात नहीं करता ना वो भी मेरी वीडियोज़ देखता है, पर पीठ पीछे आग लगाने वाले जो काम है ना लोग वो भी कर जाते हैं। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बट क्या है ना कि जैसे कि उन्होंने कुछ बोला तो जवाब देना भी ज़रूरी है, क्योंकि जवाब नहीं देना तो इंसान समझ लेता है कह रहे तो ऐसे ही बेवकूफ़ हैं। तो मेरे को भी बहुत चीज़ें बोलनी आती हैं, तो प्लीज़ आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। आपको पता है जो भी ये वीडियो देख रहा है तो उनको पता चल जाएगा कि किसके बारे में, तो प्लीज़ आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। मेरे काम के लिए, मेरी फैमिली के लिए आप ना ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड रही बात उसकी कि मैं बहुत अच्छी तरह से अपने घर को, अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, शायद आपके घर में कुछ बर्तन खड़ा करे हैं तो आपको दूसरों से ज्वेलस फील हो रहा है, क्योंकि मुझे तो यही लगेगा ना कि अगर आप दूसरों की लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हो, उसके काम के लिए बोल रहे हो, लाइक ऐसे वीडियोज़ बनाने से करके, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरा कुछ काम गलत है। अपनी फैमिली के साथ मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, सर उठा के जी रही हूँ जिंदगी में, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, बट यही है कि जवाब देना मुझे भी आता है, तो कभी जवाब पाना होना तो सामने से बोलना। और रही बात आपका पिछला पुराना नया, तो अगर आपकी नई लाइफ है तो आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि बोलने के लिए मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट मेरे को कोई शौक नहीं है किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो मैं भी यही चाहूँगी कि मेरी लाइफ में भी कोई इंटरफेयर ना करे। रही बात मेरी फैमिली की, तो भाई अपनी फैमिली को मैं बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हूँ और अपना काम करती हूँ, किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है मेरा, कभी भी ना था और ना कभी रहेगा। सीधी सी
वाली बात है ये तो, पर पता नहीं लोगों को क्यों रहता है, तो मुझे इस चीज़ों को सोच के शायद बता रही हूँ, हंसी आ रही है। तो कुछ दिन से मैं सोच रही थी बताना आप लोगों को, बट यही है कि शेयर नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिला था ऐसे फालतू लोगों के लिए। खैर सब्जी बन के हमारी यहाँ पे रेडी है, वॉकर चलाने देखो बड़े बच्चे हो गए हो आप तो। तभी मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि मुझे लग रही है भूख और इनको खाना नहीं खाना है, तो ये सोने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा और कौन खाता है पनीर? देव खाता है, मैं खाती हूँ, मम्मी खाती है, ये खाते हैं पापा और सिमरन बस नहीं खाते, तो लोग अलग सब कुछ बनी हुई है। हाय करो, हाय This one. Give it to me. Oh. पीछे में बैठ के जा रहे हैं गंदा बच्चा। हाँ गुच्छा गुच्छा गुच्छा। ये फूल उड़ेल दी है टिब्बी। हाँ तो अभी हो गया है रात का टाइम, और देखो बाहर कितनी ज्यादा ग्रीनरी होती है ना आजकल, क्योंकि हो रहा है बारिश का टाइम और बेल बजे कोई आ गया है। क्या साथ की गुड मॉर्निंग हो गई है? गुड मॉर्निंग भैया, इतनी मेहनत करता है, इतना बच्चा खेलता है मेरा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्माइल। मेरी मम्मी भी बोलती थी कि जब बचपन में ना मैं सो के उठती थी ना स्माइल करती उठती थी, ऐसी मिल अब भी कभी स्माइल करता उठता है। इतनी पाली पाली स्माइल कोई करता है क्या भाई? इतनी पाली पाली। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय 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 से बाय बाय। अच्छा बाय बाय।